जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एमएस धोनी का शायद यह आखिरी सीजन है आईपीएल का। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है अब चेन्नई सुपर किंग के सामने कि आने वाला समय में चेन्नई सुपर किंग का कौन होगा कप्तान। या दोस्तों, ऐसे में खबर है कि इसी वर्ष से चेन्नई सुपर किंग तैयार करने वाली है एक नया कप्तान को। या दोस्तों, यह कप्तान बेन स्टोक और रविंद्र जडेजा नहीं रहने वाले हैं। या दोस्तों, यह कप्तान जो कि रहने वाला है वह है ऋतुराज गायकवाड़। या दोस्तों, बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ एक बेहतरीन बल्लेबाज है और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से शानदार बल्लेबाजी भी किए हैं, एक बार ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं इतने कम उम्र में। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग इन्हें देख रही है भविष्य कप्तान। ऐसे में खबर है कि चेन्नई सुपर किंग इस वर्ष उन्हें बनाने वाली है वाइस कैप्टन और एमएस धोनी इन्हें बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारी देने वाले हैं। और ऐसे में अगर यह सफल होते हैं तो आईपीएल 2024 में कप्तानी करते हुए नज़र आ सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग के लिए। जहाँ दोस्तों, यह बेहद ही बड़ी खबर है कि भावी कप्तान चेन्नई सुपर किंग का ऋतुराज गायकवाड़ रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र जडेजा को फिर से कप्तान बनाना चाहिए या फिर चेन्नई सुपर किंग को ऋतुराज गायकवाड़ पर ध्यान देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।